हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन कार्स वर्सेस पाकिस्तान कार्स फ्लोटिंग वुड रैंप चैलेंज। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो अपने पास पहले एक तरफ इंडियंस और दूसरी तरफ पाकिस्तान की कार्स है। और दोस्तों आज का ये जो चैलेंज है भाई साहब यार कितना ज्यादा ये मस्त है। आप देख सकते हो ये जो वुडन रैंप है वो भाई साहब एक नदी में हमने बना रखा है और ये सारे के सारे जो रैंप है वो एकदम से फ्लट कर रहे हैं भाई। मतलब यहाँ पर तैर रहे हैं सारे के सारे जो वुडन लॉक से देख सकते हो। और आपको मैं जरा यहाँ से दिखाना चाहूंगा, सारे के सारे लॉक्स यहाँ पर भाई साहब पानी में तैर रहे हैं और इसी के ऊपर से हम लोग सभी कार्स को लेकर के जाने वाले। और बीच बीच में गैप भी काफी ज्यादा है, तो देखेंगे कौन कौन से जो अपनी इंडियन और पाकिस्तान की कार्स है वो सही सलामत यहाँ तक आ जाएगी। जो भी अपनी सही सलामत कार्स येलो पट्टी तक आ जाएगी वही अपनी कार आज की विनर बनने वाली है भाई। जितना आपको देखने में ये चैलेंज आसान लग रहा है उतना ही ज्यादा ये टफ होने वाला है, क्योंकि थोड़ी भी कार्स की बैलेंस बिगड़ेगी या फिर कार स्लो करेगी तो वो कार अपनी डायरेक्ट नीचे पानी में जाएगी, देख सकते हो। तो काफी ज्यादा मजा आएगा। और आज का जो चैलेंज है उसमें आप देखोगे कि कौन कौन सी जो कार है वो ऐसे रैंप पे भी अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाएगी। तो चलो एक एक करके इन सारी की सारी कार्स को लेके चलते हैं और सारी कार्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फेवरेट कार का नाम हमें जरूर से कॉमेंट में बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप सभी का फेवरेट कार कौन सा है। तो सबसे पहले जो हम लोग कार को लेने वाले हैं वो होने वाले अपनी इंडिया की तरफ से अपनी प्यारी सी महिंद्रा थार। तो चलो गाइस अपनी थार को यहाँ से लेके चलते हैं और देखते हैं कि थार यहाँ पर फ्लोटिंग वाटर रैंप पे कैसी परफॉर्म करने वाली है। तो यहाँ से चलिए अपनी थार और देखते हैं गाइस। देखो यार यहाँ पर थार को ले जाना अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन रैंप ज्यादा लंबा नहीं है तो हो सकता है। ओह माय गॉड, देख रहे हो भाई कितना आसान तरीके से आ गई है भाई। देखो यार आपको मैं बताता हूँ ये चैलेंज हार्ड कैसे। अगर थोड़ी भी कार यहाँ पर स्लो होगी और वो कार की बैलेंस बिगड़ेगी तो वो कार अपनी डायरेक्ट नीचे भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर थार काफी बेहतरीन परफॉर्म करी है। तो चलो चलते अपनी नेक्स्ट कार की तरफ, अपनी जो थार है वो इस मिशन को कम्प्लीट कर पाई है। ओ माय गॉड क्या खतरनाक रैंप है यार, देख रहे हो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, पाकिस्तान की तरफ से जो कार होने वाली है, पहली कार वो है अपनी BJ40। देखो यार ये जीप है, तो चलो इसको लेके चलते हैं और देखते हैं भाई। इसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस तो ओपी है, तो यहाँ पर भी ये बेहतरीन परफॉर्म करेगी मुझे पता है। और फिलहाल देख सकते हो ओ माय गॉड क्या गजब जा रही है भाई, ये देख रहे हो। ओ भाई जैसे अपनी थार परफॉर्म करी है सेम उसी तरीके से अपनी जो BJ40 है वो भी इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है। देखिए यार ये वीडियो एकदम छोटा होगा, पूरा देख लेना आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी जो कार है वो आज के इस मिशन को कंप्लीट करने वाली है। तो चले चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो है अपनी इंडिया की तरफ से अपनी प्यारी सी टाटा सफारी। तो चलो यार टाटा सफारी स्ट्रॉम को लेकर चलते हैं और देखते हैं गाइस की ये कैसी परफॉर्म करने वाली है। देखो यार आज का चैलेंज छोटा है लेकिन काफी ज्यादा मजेदार है। ओ माय गॉड, देख रहे हो भाई, देख रहे हो क्या मक्खन परफॉर्म कर रही है। और अभी तक सभी कार्स अपनी इस मिशन को कंप्लीट करी है। सो अब जो हमारी अगली कार होने वाली है पाकिस्तान की तरफ से वो होगी अपनी फोर्ड एक्सप्लोरर। तो चलो यार फोर्ड एक्सप्लोरर को यहाँ से लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्म करने वाली है। आप लोग अपनी फेवरेट कार का नाम हमें जरूर से कॉमेंट करना और भाई साहब इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करना यार, क्योंकि ये जो रैंप है बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। आप समझ रहे हो यार ये ट्रिक लगाना पड़ता है कि भाई कैसे पानी में कोई चीज तैरेगी, ये सभी चीजें सोचनी पड़ती है। तो यार लाइक कर देना, इतनी मेहनत करता हूं यार आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी प्यारी सी छोटी सी नन्नी सी हुंडई i10। तो चलो यार अपनी i10 को लेके चलते हैं और देखते हैं भाई क्या ये छोटी कार भी अपने इस मिशन को कंप्लीट करेगी या नहीं करेगी। और भाई ये देख रहे, ओ माय गॉड क्या बात है यार। ओ भाई कितनी मक्खन आ गई यार, कितनी अच्छी तरीके से आगे, देख रहे हो भाई ये तो मजा आ जा रहा है। मतलब ये सारी की सारी कार्स को ऐसी रैंप पे ड्राइव करने में मजा ही आ जा रहा है यार। सो गाइस, अब जो अपनी नेक्स्ट कार होने वाली है पाकिस्तान की तरफ से वो होने वाली अपनी अल्फा रोमियो। तो चलो यार अपनी अल्फा रोमियो को यहाँ से लेके चलते हैं और देखते हैं गाइस की अपनी जो अल्फा रोमियो है वो कैसी परफॉर्म करने वाली है। ओ भाई, और देख रहे हो गाइस, ओ भाई कितनी अच्छी तरीके से आ गई यार। आज का चैलेंज देखो कितना ज्यादा मजेदार है, मतलब एकदम छोटा चैलेंज है लेकिन काफी ज्यादा मजा आ रहा है यार। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। तो फेवरेट कार का जरूर से नाम अपना कॉमेंट कर देना। तो चलो चलते अपने नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है इंडिया की तरफ से वो होने वाली अपनी मस्त फेवरेट कार यार, टोयोटा इनोवा। तो चलो यार अपनी इनोवा को लेकर चलते हैं। ओ माई गॉड, देख रहे हो गाइस इनोवा क्या जा रही है यार। ओ भाई बच गई,
देख रहे हो मतलब एकदम बची है, नहीं तो भाई साहब ये पानी में गिरती। लेकिन यार कार तो कार, इनोवा की तो वैसे भी बात यार मस्त होती है। तो चलो यार ये भी अपनी इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है। सो अब जो हमारी अगली पाकिस्तान की कार होने वाली है वो होने वाली अपनी आउटलैंडर जीटी। तो चलो यार अपनी आउटलैंडर जीटी को यहां से लेके चलते हैं। और अभी तक अपनी एक भी कार फेल नहीं करी है, सारी की सारी चाहे वो इंडिया की कार हो चाहे वो पाकिस्तान की कार हो, सभी कार्स बेहतरीन परफॉर्म करी है। और भाई साहब ये देख रहे हो जैसे ही फेल का बात करा यार यहाँ पर दिक्कत हो चुकी है। तो चलो यार एक बार फिर से इसको चांस देते हैं और देखते हैं कि क्या ये सेकंड चांस में भी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। सो गाइस चलिए अपनी आउटलैंडर जीटी फिर से रेडी है, तो देखते हैं गाइस कि क्या ये सेकंड चांस में भी जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। वैसे यार ये जा पाएगी मुझे पता, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फ्लटिंग, ओ माय गॉड देख रहे हो भाई क्या सीन हो गया यार। और यहाँ पर ये डूबने वाली है, यहाँ पर बिल्कुल डूबने वाली है। और भाई ये गड़बड़ सीन हो गया देख रहे हो गाइस, और अपनी आउटलैंडर जीटी इस मिशन को फेल कर चुकी है। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी सुजुकी वैगनार। तो चलो यार अपनी सुजुकी वैगनार को यहाँ से लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्म करने वाली। ओ भाई यहाँ पर इसको दिक्कत हो रही है गाइस देख रहे हो, मतलब कि जैसे अपनी आउटलैंडर जीटी के साथ हुआ सेम कहीं इसके साथ ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ओ भाई काफी ज्यादा आराम से आ गई भाई, मतलब समझ रहे हो क्या बेहतरीन आई है। मतलब मुझे तो लगा था कि शायद ये भी जाएगी, लेकिन यार ये बहुत अच्छी सरवाइव करी और फाइनली ये भी आ चुकी है। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है पाकिस्तान की तरफ से वो होने वाली अपनी अकूरा MDX। तो चलो यार अपनी अकूरा MDX को यहाँ से लेके चलते हैं और देखते हैं गाइस की ये कैसी परफॉर्म करने वाली है। ओ भाई साहब यार आज का चैलेंज सच में यार क्या मजा आ रहा है भाई। ओ भाई बची 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 देख रहे हो, मतलब ये भी जाने वाली थी कंटेनर से टकरा करके, लेकिन चलो यार फाइनली अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। सो गाइस अब हम लोग आ चुके अपने नेक्स्ट कार की तरफ, वो है अपनी प्यारी सी टाटा हैरियर। गाइस ये ऑफ रोडिंग कार है, तो देखते हैं यहाँ पर जो अपनी टाटा हैरियर है वो यहाँ पर कैसी परफॉर्म करने वाली है। वो माई गॉड क्या सीन हो रहा है गाइस ये देख रहे हो, ओ भाई क्या मजेदार तरीके से गाइस से भी अपने इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है। और फाइनली यार अभी तक इंडिया की एक भी कार फेल नहीं करी है। तो चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी GMC अकाडिया। तो चलो यार अपनी GMC अकाडिया को यहाँ से लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसी यहाँ पर परफॉर्म करने वाले। GMC अकाडिया भी भाई बेस्ट कारों में से है, और देख रहे हो भाई सच में यार ये चैलेंज क्या मजेदार है। मतलब मैं आपको कितनी बार बताऊं कि ये कितनी ज्यादा मजेदार है, आप देख करके समझ सकते हो भाई कि ये कितनी ज्यादा मस्त परफॉर्म कर रही है। और ये चैलेंज तो भाई आज का OP वाला है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी Hyundai की Venue। तो चलो यार अपनी Venue को लेके चलते हैं, और अभी तक एक भी अपनी इंडिया की कार फेल नहीं करी, तो मुझे उम्मीद है कि भाई Venue भी इस मिशन को कंप्लीट करेगी। और भाई ये देख सकते हो गाइस, देख रहे हो गाइस क्या परफॉर्म करे जा रही है भाई साहब, क्या परफॉर्म कर रही है अपनी सारी की सारी कार्स। सो अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो है अपनी पाकिस्तान की तरफ से लैंड क्रूजर VRX। तो चलो यार अपने लैंड क्रूजर VRX को यहां से लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कहां तक सर्वाइव करती है और ये कैसी परफॉर्म करने वाली है। भाई अभी तक अपने सिर पर सिर्फ एक कार फेल करी है, वो भी अपनी आउटलैंडर GT थी। और देख रहे हो गाइस ये भी अपने इस मिशन को क्या मक्खन कंप्लीट करी है यार। तो चलो चलते अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाले अपनी प्यारी सी महिंद्रा बोलेरो। तो चलो यार अपनी बोलेरो को यहां से लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्म करने वाली है। वैसे यार बोलेरो तो मस्त ऑफरोडिंग कार है, तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फाइनली देख सकते हो भाई बोलेरो भी इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है। तो चलो चलते अपनी इस मिशन की आखिरी कार की तरफ। सो गाइस इस मिशन की जो हमारी आखिरी कार होने वाली है पाकिस्तान की तरफ से वो होने वाली अपनी लेक्सस 570। तो चलो लेक्सस 570 को यहाँ से लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक सर्वाइव करती है और कैसी परफॉर्म करने वाले, और बिल्कुल आसान तरीके से ये भी अपने इस मिशन को कंप्लीट कर पाई जैसा कि आप देख सकते हो। तो गाइस हम लोग आज के चैलेंज में 8 इंडिया और 8 पाकिस्तान की कार को ट्राई करा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक कार आउटलैंडर GT जो पाकिस्तान की है वो फेल करी है, बाकी सारी की सारी कार्स भाई इस चैलेंज को मस्त तरीके से कंप्लीट करी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे भी अगले नए चैलेंज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।